लोग पेट्रोल पंप पे आए हैं और यहाँ पे हम लोग मोस्टली वॉशरूम के लिए आए हैं। ये लेडीज़ वॉशरूम पे लिखा है पानी नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ नहीं जा सकते हैं। और वैसे भी इन लोगों ने ये ब्लॉक ही कर रखा है तो खुल नहीं सकता। ऑलराइट, आज आपको मालूम है क्या है, गणतंत्र दिवस है। तो ये देखो यहाँ पे ये पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप पे यहाँ पे झंडा फहराया है। कितना अच्छा लग रहा है गगन में, कितना अच्छे से लहरा रहा है हमारा तिरंगा। ये बताओ कि जब तुम कॉलेज में थे, स्कूल में थे, तभी ना ये ध्वजारोहण देखते थे? कॉलेज में तो नहीं देखा मैंने, स्कूल में भी देखे थे कि नहीं? स्कूल में तो देखा। तो इसके बाद कितना मुश्किल होता है ना ये सब देखना, कितना अच्छा लग रहा है आज देखने में। हमारा झंडा, हमारा भारत महान है ना मम्मी। जय हिंद। तुमने बोला क्या? जय जय हिंद। सल्यूट लगाओ। ये वैसे यहाँ पेट्रोल पंप में काफी अच्छा बंदोबस्त कर रखा है। नहीं पूरी, कितने सारे पौधे लगा रखे हैं। सूख रहा, पानी नहीं डाल रहे हैं इसमें, पूरे सूखे पड़े हैं। मेरे ख्याल से ये इसी टाइप का पौधा है। नहीं सूख रहा है, सूख नहीं रहा होगा। सब में डालना है, क्या पता दो तीन दिन में एक बार डालते होंगे। इतना पानी होगा नहीं, वैसे भी लिख रखा बाथरूम में कि यहाँ पानी नहीं है, इसीलिए नहीं डाल रहा हूँ। तो अभी हम लोग संगम की ओर निकल पड़े हैं। ये है ब्रिज जो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। आपके लेफ्ट साइड में नदी भी दिख रही है आपको। ये नदी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और संगम में जाएंगे, नहाएंगे। संगम में सबने नहीं नहाए, भाभी अब संगम में नहाए। भाभी नहाई है, मम्मी नहाई है, बड़े भाभी नहाए हैं, इसीलिए अभी सिर्फ मेरे को और मोटू को ज्यादा एक्साइटमेंट है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी संगम नहाने। क्यों भाभी? ये पूरा संगम है, काफी इलैबोरेटेड है, बहुत सारे लोग हैं। हर जगह तो ये हम लोग बढ़ रहे हैं। काफी गाना वाना भी यहाँ चल रहा है। क्या हमारी आवाज आ रही होगी बहू रानी? थोड़ी थोड़ी आ ही रही होगी। इसमें कितना अच्छा मास्क लगाया है हाथी का। अरे वाह यार, गन्ना भी मस्त जा रखा। भैया भी ब्लॉग बना रहे। ये कितना अच्छा लग रहा है मम्मी। नहीं हम ऊंट पे कभी नहीं बैठे। नहीं मैं ऊंट पे तो कभी नहीं बैठी हूँ। चलो, इन लोगों ने तो नहा लिया। कितना लंबा स्ट्रेच है ये, बाप रे। चाय दूध सब बिक रहा है। हाँ ये चाय बेचने वाले आ रहे हैं। सब लोग यहाँ कैसे बैठे मम्मी? चारों के बस एक और
चलो जल्दी करो। अब आपने तो हम लोगों ने फाइनली डुबकी लगा ली। क्यों मम्मी? यहाँ पे हम लोगों ने डुबकी लगा ली है, अब चेंज करेंगे। आंटी जी थोड़ा रुकिए, ये है चेंजिंग रूम जिसमें कुछ भी नहीं है, बस आड़ कर रखा है। अभी हम चेंज करेंगे, बाय बाय। कहो कैसा लग रहा है नहा के? अच्छा लग रहा है। कैसे लग रहा है मम्मी? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह यार, बच्चों के मजे। नहीं यार, ऊंट पे आप मेरे साथ बैठोगी तब बैठूंगी। यहाँ पे कचौड़ी भी मिल रही है, जिस जिसको भूख लगी है उसको फ्री में कचौड़ी और सब्जी। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत लंबी लाइन है, हम लोग को दूर जाना है, दूर का सफर है, इसलिए हम लोग नहा लिए। बहुत रास्ता में पड़े अभी, नहा के अब निकल रहे हैं बाहर, जा रहे हैं। कहाँ बाहर जा रही? घर के लिए जाएंगे, घर के लिए जा रहे हैं। घर की तरफ जिलेबी उलेबी भी मिल रहा, समोसा जिलेबी सब, ये सब हम नहीं ले रहे मेला में, क्योंकि अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत लोग है ना यहाँ पे, तो कैसा भी बना के दे देते हैं। लोग आ रहे हैं इसलिए अच्छी दुकान से लेने, नहीं लेने मिलेगा तो लेंगे। तो हम सब लोगों ने कैसे भी व्यवस्था कर ली, क्योंकि सबके कपड़े पैक्ड है अंदर, तो जिस जिसके ऊपर थे उस उसके निकाल के हम लोगों ने कैसे भी एडजस्ट कर लिया है। मम्मी ने एकदम सही काम किया, अपने कपड़े एकदम ऊपर रखी थी। चलिए अब जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? लेटे हैं हनुमान जी का दर्शन करने, नहीं अब घर जा रहे हैं। हनुमान जी अगर बुला लेंगे तो देख लेंगे, रास्ता में पड़ जाएंगे तो उनकी कृपा होगी, तो आने तक घर जाएंगे, क्योंकि दूर का सफर है तो हम लोग को लेट हो जाएगा जाने में। हनुमान जी का नाम ले लो, जय हनुमान, जय बजरंग बली। अब बस यही डर है कि सबको सर्दी ना लग जाए, क्योंकि सब लोग एकदम गंगा जी का नहाने से सर्दी नहीं लगता। चलो एकदम गदगद हो गई ना मम्मी, प्रयागराज नहा के आ गए, गदगद हो गई ना एकदम, गदगद हो गए एकदम। खुशी से प्रफुल्लित, झूला एकदम चल रहा है देखो। हाँ वहाँ सामने पे झूला भी चल रहा है, नहीं जाएगा वो, आने का है जाने का, ये है लाइन लगी है, चलो आने का भी है। हाँ। तो पट्टा उड़ के जा रही है, इतना ज्यादा भीड़ नहीं है। हाँ। अभी जैसे रहता है खिचड़ी के लगभग। हाँ। लेकिन भीड़ है उतना ज्यादा नहीं है। अच्छा, हम लोग जब आए थे नहाने कुंभ लगा था 12 साल का, तब तो इतना भीड़ था, इतना भीड़ था कि पूछे मत, पूरा ग्रुप बना था हम लोग का, बीच में झंडा लगाए थे यही नहाने के लिए, संगम नहाने के लिए। लेकिन अभी इस समय नहीं है, अपनी गाड़ी से आए हैं, रास्ता में पड़ा है, नहा के अब सोच रहे हैं कि घर जाएंगे। यार राइट साइड नहा लिया। चलो अच्छी बात आंटी, थोड़ा रेवड़ी ओड़ी ये देखो इन्होंने लगवाया है, देखो देखो टीका, ये हमको मिला ही नहीं, खाली रास्ता छोड़वा करके ये रास्ता, ये इन्होंने टीका लगाया, हमको भी लगवाना है, मिल ही नहीं रहा है, कहाँ लगा रहा है। मम्मी ढूंढो जल्दी जल्दी, अब जल्दी है ना, लेट हो रहा, चलो फिर कभी आएंगे। अरे तंदूरी चाय है यहाँ पे, तंदूरी चाय पी है? तंदूरी चाय नहीं पी है, तंदूरी चाय पी है आप? अरे गोईठा पर बनाए हैं उसी को अच्छा वो गरम गरम उबलता हुआ बाहर निकलता है, चाय डाल देते वो बनारस में पियेंगे। चलो यहाँ भीड़ है, यहाँ झूला कितना बड़ा बड़ा लगा रखा है यार, लोग बैठे भी हैं, चल भी रहे कि नहीं? हम बैठे हैं बहुत पहले। हाँ। वो हम लोग के गांव के तरफ झूला ये लगता है ना, नुआ बोलता है, नुआ में झूला लगता था,
वहाँ पर हम गए हैं तो बैठे हैं ये झूला पर। चलो अच्छी, हम जाने के बाद सारा दिन युवा हो जाता है।